वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने की टैबलेट सिनडोपा प्लस के बारे में। तो पहले मैं आपको इसकी कंपनी के बारे में बताऊंगा, फिर इसके प्राइस रेट के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बताऊंगा कि इसका कॉम्पोजिशन कैसे बीमारी को हील करने में मदद करता है और इसको खाने के बाद ये कैसे शरीर में वर्क करता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस टैबलेट को आपने कैसे लेना है और इसकी सही डोज कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस टैबलेट से जुड़े हुए कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सिनडोपा प्लस टैबलेट, और गाइस आप ये जो स्ट्रिप देख रहे हैं ये नई स्ट्रिप है, पुरानी स्ट्रिप कुछ इस प्रकार थी। तो पहले कंपनी की बात करें तो इसे सन फार्मा कंपनी बनाती है, और गाइस सन फार्मा इंडिया में काफ़ी नामी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। वहीं अगर इसके प्राइस रेट की बात करूँ तो 37 रुपीज़ की आपको 15 टैबलेट मिल जाती है। क्योंकि सन फार्मा काफ़ी नामी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है इंडिया में, इसलिए प्राइस रेट सन फार्मा के ब्रांड वैल्यू के कारण प्राइस रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। वहीं अगर इसके सबसे सस्ते सब्स्टिट्यूट की बात करूं तो LCD 125 mg की टैबलेट इंट्रास कंपनी की आपको 22 रुपये समथिंग की मिल जाती है। वहीं अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको दो इंग्रेडिएंट मिलते हैं, लिवोडोपा 100 mg और कार्बिडोपा 25, मतलब 125 mg का कॉम्बिनेशन मिलता है इस मेडिसिन में आपको। और ये जो रेड मार्किंग देख रहे हैं इसका मतलब डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब कर सकता है। आगे बात करते हैं टैबलेट हीलिंग में कैसे मदद करती है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो इंग्रेडिएंट हैं, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं लिवोडोपा और कार्बिडोपा। तो ये जो कॉम्बिनेशन मेडिकेशन है ये पार्किंसन नाम की बीमारी, पार्किंसन डिजीज़ और पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स जैसे शेकीनेस, स्टिफिनेस, स्ट्रेमर, स्पाजम्स, शिवरिंग, स्लो मूवमेंट, डिफ़िकल्टी इन मूविंग जैसे सिम्टम्स को ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है, जो कि पार्किंसन नाम की बीमारी से मिलते जुलते हैं। और गाइस जो पार्किंसन डिजीज़ है, मतलब कि पार्किंसन नाम की बीमारी है, ये डोपामाइन जो कि मिड ब्रेन जिसे सब्सटेंशिया निग्रा बोलते हैं, वहाँ पर डोपामाइन जो कि एक नेचुरल सब्सटेंस होता है उसके लो लेवल के हो जाने के कारण पार्किंसन नाम की बीमारी होती है। और गाइस जो ये लिवोडोपा है ये डोपामाइन का प्रोडक्ट है, मतलब कि बायोलॉजिकल इनएक्टिव कंपाउंड जो कि शरीर में मेटाबॉलिज्ड होने के बाद एक ड्रग के रूप में प्रोड्यूस होता है। इसे आसान शब्दों में समझाऊं तो हम जो गेहूं का आटा पकाते हैं, पकाने के बाद वो रोटी बनता है, तो यहाँ पर जो गेहूं का आटा है वो है लिवोडोपा। उसको पकाना मतलब उसे मेटाबॉलिज करना, और पकाने के बाद जो रोटी बनती है वो है डोपामाइन। तो इसे मैंने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। तो गाइज इस प्रकार जो लिवोडोपा है वो डोपामाइन में बदल जाता है, और बदलने के बाद ये दिमाग को शरीर के जो दूसरे अंग हैं, दूसरे ऑर्गन्स हैं, उनको कंट्रोल करने में, उनके मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। और जो इसका दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट है कार्बिडोपा, ये भी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है इस मेडिसिन के साथ में। ये लिवोडोपा को ब्लड स्ट्रीम में ब्रेकडाउन होने से बचाता है ताकि ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा एंटर हो सके। लिवोडोपा कार्बिडोपा लिवोडोपा के साइड इफ़ेक्ट जो कि नोजिया वोमिटिंग होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट को भी काफ़ी हद तक कम करता है, और कैंसर में होने वाले बोन पेन को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। और शिंगल्स को कौन नहीं जानता, शिंगल्स जो कि एक स्किन डिजीज़ है जिसमें पेन बहुत ही ज़्यादा होता है, उस पेन को कंट्रोल करने में भी कार्बिडोपा काफ़ी हेल्पफुल होता है। शिंगल्स को हर्पेक्स रोस्टर बोलते हैं, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। इस प्रकार ये आपके गट्स पोस्चर्स, स्वेलोइंग, स्पीच, हैंडराइटिंग, विगर्स, अलर्टनेस, सेल्स ऑफ वेलबींग और एक्सेसिव सेलिवेशंस और सेवोरिया जो कि एक स्किन डिजीज़ है जिसमें स्किन ऑयली, क्रस्टी और स्केली स्किन हो जाती है, इसको भी ट्रीट करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो कुल मिलाकर गाइस लिवोडोपा और कार्बिडोपा पार्किंसन नाम की बीमारी और पार्किंसन नाम की बीमारी से मिलते जुलते सिम्टम्स को ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आगे बात करते हैं कि इस टैबलेट को आपने कैसे लेना है। तो गाइस इस टैबलेट को आप खाना खाने के बाद पानी के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ खाना खाने के बाद ही लें ताकि आपको नोज़िया वोमिटिंग कम हो। और साथ में अगर आप कोई हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं
तो उसे कम ले, ताकि जो लिवरडोपा की अमाउंट है शरीर में मेटाबॉलिज होने की वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और साथ में अगर आप कोई आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं जो कि मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स के साथ में होता है, तो उसे ना ले, ताकि ये शरीर में जाकर अच्छे से मेटाबॉलिज हो, एब्जॉर्ब हो सके और आपको इस टैबलेट का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। आगे बात करते हैं कि इस टैबलेट की डोज़ कितनी होनी चाहिए और एक्यूरेट और एवरेज डोज़ कितनी है। तो गाइस, इस टैबलेट की जो डोज़ है वो आपके मेडिकल कंडीशन और ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करती है। आपका जो डॉक्टर है इस टैबलेट की, इस मेडिसिन की डोज़ को लो डोज से शुरू कर इसकी डोज़ को धीरे धीरे बढ़ाएगा ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स पर। इसलिए आप अपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन को केयरफुली फॉलो करें। इस टैबलेट की डोज़ 500 mg से 1000 mg होती है, जिसे 3 या 4 भागों में बांटा जाता है खाना खाने के बाद। आसान शब्दों में कहूँ तो इस टैबलेट को आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इस टैबलेट से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी, जी कच्चा। इससे आपका जो यूरिन है, सलाइवा और स्वेट है, वो डार्क कलर का हो जाता है। साथ ही आपको भूख ना लगना, कन्फ्यूज़न, यूरिनरी डिफ़िकल्टी, हेलोसिनेशन, डिफ़िकल्टी क्रोनिंग यूर मूवमेंट जैसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं कि इस टैबलेट को आप जब खोलेंगे तो ये टैबलेट आपको कैसी दिखेगी। तो गाइस, ये टैबलेट मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि ये टैबलेट आपको किस प्रकार दिखती है खोलने पर। तो गाइस, ये देखिए, ये टैबलेट आपको खोलने पर कुछ इस प्रकार की मिलती है। वाइट कलर की ये टैबलेट है और इस पर क्रॉस आपको दिखेगा। मैं जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो इस टैबलेट को पहचानने में। तो देखिए गाइस, ये कुछ इस प्रकार की टैबलेट है। और गाइस, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप इस टैबलेट को कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट आपको कितने टाइम में आने लगा, ताकि हमारे जो पासी चैम के अदर मेंबर हैं उनको भी इस टैबलेट का अच्छे से पता चल सके। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, मुझे खुशी होगी आपके क्वेश्चनिंग्स का आंसर दे के। ओके गाइस, तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी, ये थी सिंडोपा प्लस के ऊपर। पूरी तरह से मैंने इस टॉपिक को कवर किया था और आशा करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो गाइस, ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।